हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम समी है और आर्किटेक्चर हैक के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग इस तरह का एक स्केल बनाने वाले हैं जो कि आर्किटेक्चर या फिर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। इस तरह की स्केल की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है और दिक्कत यह है कि इस तरह के स्केल जो है मार्केट में बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन स्टोर में। तो मैंने इस तरह का एक जुगाड़ लगाया जिससे आपको बहुत ही कम दामों में इस तरह का टी स्क्वायर या फिर एल शेप का रूलर आपको मिल सकता है। ठीक है, इसके लिए कुछ ज़रूरी चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस तरह का रूलर बनाने के लिए आपको दो अदद इस तरह के स्केल 15 सेंटीमीटर जो कि आपको आराम से स्टेशनरी में अवेलेबल रहेगा, 10 से 15 रुपीज़ इसकी कॉस्ट है। ठीक है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अच्छा वाला यानी 1 mm थिक वाला ही आप ले लें, क्योंकि ये इसका जो सरफेस रहेगा या फिर इसके कॉर्नर रहेगा बहुत ही ज़्यादा शार्प और एक्यूरेट रहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा। ठीक है, इसके बाद आपको चाहिए होगा इस तरह का एक फेविटाइट जो कि पीडी लाइट की तरफ से आता है, रैपिड एंड क्लीन एपॉक्सी एडिजिव है। इसका कॉस्ट अराउंड 50 रुपीज़ है जो कि आपको कलर शॉप में अवेलेबल रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपको और दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, इस तरह के ब्लेड के एजेस जो कि आप अगर यूज़ करते हैं तो एंड में आपको इस तरह से एजेस मिलेंगे जो कि इसको यहाँ पर लगाने में काम आएंगे। ठीक है, इस तरह के दो आपको चाहिए होंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं इसको किस तरह से क्रिएट करना है, किस तरह से बनाना है। ठीक है, तो दो स्केल कनेक्ट करने से पहले आपको एक रेक्टेंगल या ट्रायंगल लाइन निकालना होगा जिसमें 90 डिग्री एंगल होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मार्किंग कर लिया है, तो मैं इसको इस तरह से 90 डिग्री का एंगल बना लेता हूँ जिसको हम रेफरेंस लेंगे 90 डिग्री। तो इस लाइन को हमने यहाँ पे चिपकाना है इस तरह से। इस तरह से चिपकाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस तरफ थोड़ा सा सैंड पेपर से पॉलिश करना होगा क्योंकि इसका जो सरफेस रहता है बहुत ही शाइनी रहता है, तो ग्लू पकड़ने में थोड़ा सा तकलीफ हो सकती है। इसलिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सैंड पेपर से थोड़ा रफ कर लिया जिससे ग्लू जो है आसानी से चिपक जाए, और इस तरफ भी हमने कर लिया। ठीक है, तो एक तरफ आपको मार्किंग रखनी है और दूसरी तरफ इस तरह से करना है। ठीक है, तो मैं इस तरह से इसको लगा देता हूं। अभी हमको ग्लू मिक्स करना है। मिक्स करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, मिक्स करने के लिए इसमें एक हार्डनिंग और एक दो टाइप के रहते हैं, तो इसको अभी मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, बस एक ड्रॉप काफ़ी हो जाएगा। ये एपॉक्सी जो है मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था, तो मैंने बहुत बहुत टाइम से इसको यूज़ किया हुआ है। अभी इसको मिक्स करना है थोड़ी देर तक, थोड़ा ये पेस्ट की तरह जब तक ना फील हो जाए तब तक आपको इसको मिक्स करना है। जब ये पेस्ट की तरह लगेगा तब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम लेगा सूखने के लिए, तो इसको थोड़ा सा हम लोग मिक्स करेंगे जिससे पेस्ट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग इसको अप्लाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको इस तरह से स्केल निकालना है और इस तरफ बस काफ़ी है इतना। इसके बाद इस वाली लाइन को सही से रख के यहाँ पर हम लोग आपको रेफरेंस लाइन पे रखना है ताकि 90 डिग्री आपको आ जाएगा। ये हो गया 90 डिग्री। तो अगर आप इसको फिक्स करना चाहते हो तो इसको मास्किंग टेप से आप यहाँ पे फिक्स भी कर सकते हो। इसको मैं फिक्स कर लेता हूँ ताकि ये हिले ना। अभी फाइनल आपको स्टेप है वो है इस तरह के जो एजेस रहेंगे इसको आपको ग्लू लगाना है नीचे की तरफ से।
यहाँ पे इसको भी थोड़ा आप रब कर लेना सैंड पेपर से, ताकि ये भी अच्छे से चिपक जाए। तो अभी ये जो ग्लू है एडिजिव, ये थोड़ा पेस्ट की शक्ल में हो गया है तो इजीली चिपक जाएगा। ठीक है, अभी इसको हम 15 से 20 मिनट्स सेट होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद सो गाइस, आफ्टर 15 मिनट्स ये बिल्कुल सेट हो गया। अभी हम लोग इसको निकालते हैं। जी हाँ, ये अभी सेट हो गया है। अभी जहाँ पे हमने ग्लू लगाया था वहाँ पे ये लगा हुआ है, तो इसको आप आराम से निकाल लेना। ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया हमारा एंगुलर स्केल, या फिर टी स्क्वायर भी बना सकते हैं आप इसको। तो मैंने इसको एंगुलर स्केल बनाया, जिससे इस तरह से वर्क करता है। ठीक है, तो एपॉक्सी एडिजिव जो है बहुत ही अच्छे से वर्क करता है, और आपको पता होगा कि इससे ग्लास वगैरह, एक्वेरियम वगैरह इससे ही बनाते हैं। तो ये ग्लू स्टील में भी आराम से वर्क कर जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर कुछ ब्रिजेस की तरह यूज़ किया है इसको, तो ये इसको होल्ड करके रखेगा, और ये कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ से आप इस तरह से एंगल्स वगैरह चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप मात्र 80 रुपीज़ में इस तरह का स्केल बना सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे से। तो बाकी का जो एक्सेस रहेगा यहाँ पर आप निकाल देना इसको ब्लेड से। तो ये हो गया हमारा स्केल। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस।